Hello students, welcome back to TMI's home based education. In today's video we'll start with multiplication of fractions, again the easiest topic. Now the fraction is being given and one whole number is being given. The first question means ek fraction ek whole number hai, no problem. What you have to do, 9 upon 10 into so 2 diya means 2, you have to consider it in the numerator mein hi hai wo 2, that you have to be very careful. Now ab kya karna hai, agar cut hota hai upar niche, that thing you have to be very careful. That cut hame kaise karna hai, ek numerator ek denominator hona chahiye, fir wo upar niche ho ya cross mein ho to bhi chalega. Now the first one, if you can see 2 and 10 both can be cancelled, it will be 2 ones are 2 and 2 fives are is 10. So now what is remaining, 9 into 1 is 9, aur niche kya bacha hai 5, so that answer comes to 9 upon 5. Fir usko mixed fraction mein convert karo, so 5 ones are is 5 and plus 4 is 9. कट होता है तो करना है, नहीं तो फिर क्या करना है, जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन और अपॉन जो भी डिनोमिनेटर है, फिर अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. सेकेंड वन इज 7 अपॉन 8 इनटू 2, अगेन वी कैन कैंसिल हियर, 2 वन जार एंड 2 फोर जार, सो व्हाट इज रिमेनिंग, यहाँ पे भूलना, हियर इट इज 1 सो इट्स ओके, बाकी अगर कोई नंबर होगा तो फिर मल्टीप्लीकेशन करना है, ऐसे छोड़ नहीं देना है. 7 वन जार इज 7 अपॉन 4, अब उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो 4 वंस आर 4 प्लस 3 इज 7. यू कैन डिवाइड एंड फाइंड आउट द आंसर, आई नो डायरेक्टली सो आई एम डूइंग इट. यू कैन ऑल्सो डू इट, 4 टू आर 8 तो नहीं हो सकता है, 4 टू आर 8 तो नहीं है बिकॉज इट इज स्मॉलर देन 8, सो वॉट, 4 वंस आर 4 प्लस 3 इज 7. सी थर्ड वन, नाउ इट्स 3 अपॉन 5 इंटू 4, सो वी कैन नॉट कैंसिल, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता है, तो क्या करना है, 3 इंटू 4 इज 12 अपॉन 5, बस. नाउ कन्वर्ट इट इंटू मिक्स फ्रैक्शन, सो 5 टू जर इज वॉट 10 एंड 10 प्लस 2 इज 12. कट होता है तो करना है, सब में कट होगा, इट इज नॉट नेसेसरी. देन फोर्थ वन, इफ यू विल सी, इट्स 8 अपॉन 11 इंटू 4, अगेन 8 अपॉन 11 इंटू 4, वी कैन नॉट कैंसिल एनीथिंग, तो क्या करना है, 8 फोर जर इज 12 अपॉन 11, और उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो 11 वन जर 11 प्लस 1 इज 12. डन, सो रेस्ट ऑफ द सम्स भी आपको वैसे ही करने हैं. फोर्थ वन आई डन, फिफ्थ यू कैन डू इट, सिक्स ऑल्सो यू कैन डू इट, सेवेंथ वन आई एम डूइंग, सेवेंथ वन इज 36 अपॉन 45 इंटू 3, सो 36 अपॉन 45 इंटू 3 मीन्स, नाउ ऊपर नीचे भी कट होगा और क्रॉस में भी कट हो सकता है, नाउ इट्स डिपेंड अपॉन अस वॉट हाउ वी आर कैंसिलिंग. 6 प्लस 3 इज 9, 4 प्लस 5 इज ऑल्सो 9, मीन्स बोथ आर डिविजिबल बाई 3. सो 3 15 जर इज 45, 15 3 जर इज 45 एंड 12 3 जर इज 36, अगेन इट विल गो बाई 3, 3 4 जर एंड 3 5 जर. नाउ वी कैन नॉट कैंसिल एनीथिंग, तो अभी यहाँ पे क्या बचा है, 4 इंटू 3 इट्स 12 अपॉन 5, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, इट विल बी 2 5 जर 10 हो जाएगा एंड 10 प्लस 2 इज 12. अंडरस्टूड, अगर यहाँ से भी कट करना होता तो होता 3 वन जर 3 एंड 3 15 जर, फिर ऊपर नीचे कट होता, एनी हाउ यू विल डू द आंसर विल कम सेम, इट विल नॉट चेंज. ओके, सो दैट वॉज योर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, उसमें दोनों फ्रैक्शन दिया है, हियर वॉट वॉज देयर, वन फ्रैक्शन वन होल नंबर, हियर इन द सेकेंड वन इट्स बोथ ऑफ देम आर फ्रैक्शन, तो ध्यान क्या रखना है, जैसे यहाँ पे किया था वो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करना है, अगर ऊपर नीचे कट होता है तो करना है, एक कट करते टाइम खास ध्यान रखना है, एक न्यूमरेटर होना चाहिए और दूसरा डिनोमिनेटर, फिर वो ऊपर नीचे हो या क्रॉस में हो तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर न्यूमरेटर कभी कट नहीं होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कभी कट नहीं होगा. अगर होता तो मैं यहाँ पे कर देता 4 वन जार और 4 टू जार, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, न्यूमरेटर न्यूमरेटर कभी भी कट नहीं कर सकते हम और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कभी कट नहीं होगा,
वो एक चीज़ दिमाग में पहले से ही बिठा लेनी है। के सो नाउ हियर वी कैन नॉट कैंसिल एनीथिंग, हम कुछ भी कट नहीं कर सकते, तो क्या कर देना है? 2 1s are 2 and 9 7s are 63, सो दिस इज योर आंसर। बस नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्टली यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। सेम वे सेकेंड वन इज 3 upon 7 and 4 upon 7, सो हियर ऑल्सो वी कैन नॉट कैंसिल एनीथिंग, सो 3 4s are 12 and 7 7s are 49। Now third one, it's 8 upon 15 into 3 upon 4. Now here we can cancel, इसलिए लिखना है उसको वापस। Now 4 1s are 4 and 4 2s are 8, देखो क्रॉस में मैंने किया लेकिन एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर था, तो 4 1s are 4 हुआ और 4 2s are 8 हुआ। सेम वे इधर होगा, 3 1s are 3 and 3 5s are 15। तो अब बाकी क्या बचा? 2 into 1 is 2 and 5 into 1 is 5 is our answer. Same way, fourth one, if you will say it's 6 upon 15 into 8 upon 12. So here also we can cancel 6 upon 15 into 8 upon 12. So if you want, 6 1s are 6 and 6 2s are 12. Now again we can cancel here. अगर ऊपर नीचे भी कट करना होता तो होता 3 2s are and 3 5s are. Okay, so answer कहने का मतलब क्या है, आप कैसे भी कट करोगे the answer will not change. अब यहाँ पे देखो कट होता है दोनों, 2 1s are 2 and 2 4s are 8. Now what is remaining? 4 1s are 4 upon 15 is our answer. Okay, so wherever it is possible you can cut it, else just multiply and convert it into mixed fraction. Fifth one, it's 8 upon 16 into 1 upon 2. So 8 upon 16 into 1 upon 2, अब देखो कट करना है तो यहाँ से भी होता है, ये भी कट हो सकता है। नाउ इट इज अपॉन अस दैट हाउ वी वॉन्ट टू कट। 2 1s are 2, 2 4s are होगा, 4 1s are 4, 4 4s are 16 होगा। आंसर देखना 1 upon 4 ही आएगा। ओके, सो 8 1s are 8 and 8 2s are 16। नाउ वी कैन नॉट कैंसिल एनीथिंग, ये दोनों डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर इज ऑलरेडी 1, सो द आंसर इज 1 upon 4। ओके, अगर ऐसे कट करते तो क्या होता? 2 1s are 2 and 2 4s are 8, फिर वापस 4 1s are 4 and 4 4s are 16, मीन्स द आंसर एट लास्ट वी आर गोइंग टू गेट इज 1 upon 4 ओनली। So 5 sums I have done, remaining you have to do it by yourself. Now let us move to question number 3. In question number 3 it is given mixed fraction and a whole number. So 2 1 upon 2 into 6, तो पहले उसको improper में convert करना पड़ेगा, 2 2s are 4 plus 1, 5 upon 2 into 6, and then we can see that it can be cancelled. 2 1s are and 2 3s are and 5 3s are is 15 is our answer. Denominator में 1 है, so no need to write down that upon 1. Same way let us see second one, 9 1 upon 6 into 5. So 6 9s are is 54 plus 1 is 55 upon 6 into 5. Now here we cannot cut, हम यहाँ पे कुछ भी कट नहीं कर सकते, so simply just multiply. 5 5s are is 25 2 5 5s are 25 plus 2 is 275 upon 6. Now we have to convert it into mixed fraction. So if you will divide, 6 4s are is 24 3 and 5 35 6 5s are is 30, so 5 and 6, so 45 6s are is 270. 6 5s are is 33, 6 4s are 24 plus 3 27, so this will be the mixed fraction. Third one, it's 6 2 upon 11 into 22. So 11 6s are is 66 plus 2 is 68 upon 11 into 22. Now we can cancel 11 1s are and 11 2s are. Now what is remaining? 68 into 2 is remaining, so 2 8s are is 16 1, 2 6s are 12 plus 1 13, means 136 will be our answer. Now same way let us see fourth one, it's 8
15 अपॉन 17 इंटू 17, तो 17 एट जर 86, 87 जर इज 78 जर इज 56, 5, सो 81 जर 8 प्लस 5 इज 136 प्लस 15, सो 11 151, 17 इंटू 8, सो 87 जर इज 56, सो 6, 5, 8, 1, 0, 8 प्लस 5 इज 13, प्लस उसमें 15 करेंगे, सो द आंसर इज कमिंग 151 अपॉन 17 इंटू 17. नाउ 17, 17 विल गेट कैंसल, द आंसर विल गेट दैट इज 151. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट. Fifth one you can do it. Rest all the sums you can do it by yourself, student. It is very simple. जहाँ पे cut होता है वहाँ पे करना है, नहीं होता है तो क्या करना है, just multiply and write down the answer and convert it into mixed fraction. Okay, let us move to question number 4 now. In question number 4 it is given both the side mixed fraction is being given. तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है दोनों को. सो 2 टू ज़ा 4 प्लस 1, 5 अपॉन 2 इंटू 4 वन ज़ा 4 प्लस 3, 7 अपॉन 4. अब यहाँ पे हम कुछ भी कट नहीं कर सकते, सो व्हाट वी हैव टू डू, जैसे हम पहले भी करते थे, जस्ट मल्टीप्लाई. 7 फाइव ज़ा इज 35, 4 टू ज़ा इज 8, उसको मिक्स फ्रैक्शन में करो. 4 एट ज़ा इज 32, 32 प्लस 3 इज 35, सिंपल. Second one, it's 2, 3 upon 7 into 1, 1 upon 2. So 7 2s are 14 plus 3 is 17 upon 7 into 2 1s are 2 plus 1, 3 upon 2. वापिस यहाँ पे कुछ भी कट नहीं होता है. So just multiply 17 3s are is 51 and 7 2s are is 14. Now we have to divide 51 by 14 and convert it into mixed fraction. So 48, 14, 3s are is 42, 14, 4s are is 56. So 3s are it will go 14, 3s are, and then what is remaining, 42 means 8 plus 1, 9 is remaining. So that will be your answer. This you can divide and find out. I am doing it directly as I am knowing, that's why. Tables aata hai, then you can use it. And you will find out the answer. Next, 4 1 upon 9 into 9 1 upon 4. So 9 4s are 36 plus 1, 37 upon 9 into 9 4s are 36 plus 1, 37 upon 4. So now 37 into 37 we have to multiply and find out. So 7 7 is 49, 4 7 3 is 21, plus 4 is 25, 0 3 7 is 21, 2 3 3 is 9 plus 2 11, 9 6 3 and 1. So it comes to 1 3 6 9 upon 9 4 is 36. Ab 36 se usko divide karna padega, 1 3 6 9 by 36. So use the table of 3, 3 4s are is 12. So 36, 4s are is how much? 4, 6 are 24 plus 2. So 4, 3 are 12 plus 2, 14. So 144 means it will go by 3 only. So 3, 6 are is 18. 1, 3, 3 is 9 plus 1, 10. 16 minus 8 is 8. 2 minus 0 is 2. Now 9 will come down. Now 3 8s are is 24, 3 9s are is 27, so it will go by 8 only. 36 8s are karke dekhte hain, 3 6 8s are is 48, 4 8 3s are 24 plus 4 is 288. Okay, so either 288 aa gaya, bacha kya 1. So 38 1 upon 36 will be our answer. Okay, same way, let us see fourth one. It's 6 1 upon 2 into 2 1 upon 3. 6 2s are 12 plus 1, 13 upon 2. 3 2s are 6 plus 1, 7 upon 3. We cannot cancel anything. So 13 7s are is 91 upon 6.
So see how I am converting. 6 ones are is 6, 3 and 1 31. So 6 5s are is 30, 15 6s are 90 plus 1 91 ho gaya. So this is the way you can also do it. Lekin uske liye thodi practice chahiye, that's it. Tables are if clear then you can do it. Now question number 5, first one. इन क्वेश्चन नंबर वन में क्या था, होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन. यहाँ पे भी वही है, फ्रैक्शन एंड अ होल नंबर इज बीइंग गिवन. सो दैट यू आर ऑलरेडी नोइंग. स्टिल आई एम डूइंग फ्यू सम्स. 15 अपॉन 7 इंटू 2. सो वी कैन नॉट कट एनीथिंग, सो जस्ट मल्टीप्लाई. 15 टू जर इज 30 अपॉन 7. अभी देखो वापस कैसे डिवाइड करता हूँ मिक्स फ्रैक्शन में. 7 को वैसे रहने दो. 7 4 जार 7 4 जार 28 प्लस 2 इज 30 अपॉन 7. सेम वे सेकेंड वन. 18 अपॉन 4 इंटू 3. नाउ वी कैन कैंसिल हियर. सी 18 अपॉन 4 इंटू 3 दोनों को 2 से कट कर सकते हैं. 2 9 जार एंड 2 2 जार. सो 9 3 जार इज 27 अपॉन 2. अब उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 13 twos are, 13 twos are is 26 plus 1 27. Now third one, it's 9 upon 4 into 15. So 9 upon 4 into 15 we cannot cancel anything, so just multiply. 15 nines are is 135 upon 4. Now 4 threes are is 12. See 4 3s are is 12, isliye 3, 1 and 5 15. Again 4 3s are 12 plus 3 15. 33 4s are is 132 plus 3 is 135. So same way you have to do the remaining sums. Then it's question number 6. Again there both the fractions are being given, 6 upon 4 and 7 upon 2. 6 upon 4 into 7 upon 2, so we can cancel. 2 1s are and 2 3s are. Now what is remaining? 3 into 7 is 21 upon 4. So kya hoga? 4 5s are 20 plus 1 is 21. Second one, 15 upon 14 into 2 upon 5. So 15 upon 14 into 2 upon 5, so 2 1s are and 2 7s are, 5 1s are and 5 3s are. So numerator mein kya bacha? 3 into 1 is 3 and 7 into 1 is 7. Same way third one, it's 48 upon 21 into 7 upon 24. So it can be cancelled. 48 upon 21 into 7 upon 24 cross mein hi karna hai. So 7 1s are 7 and 7 3s are is 21. अभी देखो यहाँ से भी कट करना है तो भी होगा, बिकॉज 8 प्लस 4 इज 12 मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 3. सो इट विल बी 16 3s आर, बट यहाँ पे डायरेक्टली हो रहा है. देखो 24 1s आर 24 एंड 24 2s आर इज 48. सो आवर आंसर इज 2 अपॉन 3. इट इज कमिंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन. फोर्थ वन, इट्स 25 अपॉन 13 इंटू 13 अपॉन 2. So 25 upon 13 into 13 upon 2. So kya karna hai? 13 13 will get cancel. Now what is remaining? 25 upon 2. Ab mujhe pata hai 12 2s are kitna hota hai? 24 plus 1 is 25 upon 2. Fifth one, it's 9 upon 7 into 8 upon 3. So cut ho raha hai, that's why we have to write it again. 8 upon 3, so 3 1s are and 3 3s are is 9. Now 8 3s are is 24 upon 7. 7 ke table mein 24 se kam kab aata hai? 3s are, 7 3s are is 21 plus 3 is 24. So this was your question number 6. Now remaining sums of question number 1, 2, 3, 4 and question number 5 and 6, you have to do it by yourself. Wherever you find any difficulty, let me know in the Google Meet. We will solve the sum. The answers of these questions you can check from page number
इट इज एक्सरसाइज नंबर 5. सो यहाँ पे सब आंसर्स दिए, यू कैन चेक योर आंसर्स. ओके, दिस पेज 68 एंड लास्ट इन 69 ऑल्सो ऑन द टॉप. सो रेस्ट ऑफ द सम्स यू हैव टू डू इट बाई योर सेल्फ. सो इन दिस वीडियो दिस मच ओनली. इन द नेक्स्ट वीडियो विल लर्न अबाउट डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस. सो टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर.